इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां दिन दहाड़े ईट चिमनी के संचालक को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी चिमनी मालिक उमेश प्रसाद यादव सुबह में भड़ेबा चौक पर सैलून की दुकान में गए थे। वहां से घर लौटने के दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़े और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना पर मौजूद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान टिकोली पंचायत के वार्ड 12 निवासी चुल्हाई राय के पुत्र उमेश प्रसाद यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पर सदर SDPO सुबोध कुमार अस्पताल पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। दरवाजा पर घूम के आया है, दरवाजा पता लगा है कि गोली मार दिया गया है। परिवार चौक पर किनको मारा गया? उमेश प्रसाद यादव। क्या क्या करते हैं? ये व्यवसाय है जिंदगी का, अपना भाटा चलाते हैं। क्या लोग गोली मारने के पीछे कोई जमीनी विवाद है या कुछ विवाद जानकारी आप लोगों को? ये अभी हम नहीं बता सकते जानकारी में कोई। अच्छा, आप क्या है? हम हमारी पत्नी वहाँ की मुखिया है, वही पंचायत। आपका क्या नाम है? नरेश मुखिया। बतिया लेके आ रहे थे ना, तो हम लोग मोटरसाइकिल से चल दिए हॉस्पिटल के तरफ। अच्छा, क्या करते हैं? ना हम उस समय नहीं थे, घटना के जगह पर नहीं थे। क्या करते हैं? बिजनेस है भट्टा का। ये चिमनी चला रहा है, चिमनी मालिक है ना? सामाजिक लोग है, चिमनी चलाते हैं। सामाजिक लोग है, चिमनी चलाते हैं। तो क्या चिमनी से आ रहे थे कि जा ही रहे थे? मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे घर से 6 किलोमीटर करते हैं। अच्छा, कहाँ पे घटना हुआ? घर से आधा किलोमीटर पूर्व। सुबह सूचना मिली थी कि धनबल्ला क्षेत्र में एक उमेश यादव जी है, उनको अज्ञात आघात करने के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली मारने के उपरान उनका जो है इलाज अभी सर्कल रोड स्थित हॉस्पिटल में चल रहा है। स्थिति संभाल रहे हैं, वो ठीक है, अभी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के क्रम में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। विवाद का भी कारण बताया गया कि किस विवाद के कारण उनकी गोली मारी जा सकती है, गोली मारी गई है, तो उस बिंदु के अवलंबन में अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी दो टीम लग गई है, जल्द से जल्द मुझे इसमें शामिल इसकी जानकारी हो जाएगी।